हेलो दोस्तों, मैं हूं ऋषिकेश और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स कॉप। और आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं CPL यानी कैरेबियन प्रीमियर लीग 2019 के मुकाबले जो खेला जाएगा सेंट लूसिया ज़ूक्स वर्सेस जमैका थलावास के बीच में सेंट लूसिया के डैरेन सैमी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के अंदर 28 सितंबर को सुबह के 5:30 बजे से। और इस मैच का लाइव टेलीकास्ट होने वाला है स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क और हॉटस्टार के ऊपर। सबसे पहले अगर मैं आपकी पिच रिपोर्ट के बारे में बात करूं तो यहाँ की पिच के ऊपर बैटिंग करना हो तो ज़्यादा आसान नहीं होता। आप चाहे पहले बैटिंग करो चाहे बाद में बैटिंग करो, आपको यहाँ पे बैटिंग अच्छे से एम्प्लाई करनी पड़ेगी। जो भी टीम अच्छे से बैटिंग कर ली वो मैच जीत जाएगी, यहाँ पे बॉलर्स को फायदा मिलता है। पर जिस टीम की बैटिंग एप्लीकेशन सबसे ज़्यादा अच्छी हुई वो इस मैच को जीत सकती है इस ट्रैक के ऊपर। अगर मैं आके वेदर रिपोर्ट के बारे में बात करूं तो वेदर बीच में खराब जरूर से हो सकता है और बारिश के भी चांसेस है बीच बीच में आने के। सबसे पहले बात करता हूं होम टीम सेंट लूसिया ज़ूक्स के बारे में, जिनके अभी 2 मैच बचे हैं और अगर वो दोनों में से दोनों मैच जीतेगा तभी उसके थोड़े बहुत चांसेस बचेंगे। मैथमेटिकल जो चांसेस है वो तभी काम आएंगे अगर लूसिया की टीम 2 में से 2 मैच जीत पाती है। ये टीम काफी ज्यादा इनकंसिस्टेंट रही है, ऐसा नहीं कि टीम खराब है, टीम काफी अच्छी है इस टीम के पास, पर फिर भी ये टीम अच्छा नहीं खेल पा रही है। कॉलिन इंग्रम के आने के बाद जरूर से काफी अच्छी लगी टीम की बैटिंग। कॉलिन इंग्रम में हर मैच में काफी अच्छी बैटिंग है, हालांकि कोई बड़ी पारी नहीं खेल पाए पर फिर भी कॉलिन इंग्रम काफी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। पिछले मैच में कॉलिन डी ग्रैंडम ने भी दिखाया कि वो नंबर 4 के ऊपर कितना अच्छा खेल सकते हैं। कॉलिन डी ग्रैंडम ने बॉलिंग भी काफी अच्छी करी, बैटिंग भी काफी अच्छी करी है, पर उसके अलावा कोई टीम अच्छे से नहीं खेल पा रही है। स्टार्टिंग के मैचों में रहीम कॉनवर काफी अच्छी फॉर्म में दिख रहे थे पर उसके बाद रहीम कॉनवर भी अच्छी फॉर्म के अंदर नहीं दिख पाए। एंड्रे फ्लेचर को स्टार्ट जरूर से मिल पा रहा है पर वो उसको बड़ी पारी में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे, तो इन बैट्समैन को बड़ी पारी खेलने की पूरी पूरी जरूरत है। टीम को ऑबिट मकोए की इंजरी की वजह से बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ है। ऑबिट मकोए काफी बढ़िया बॉलर थे उनके, पर उनके इंजरी के बाद कोई उनको रिप्लेस अच्छे से नहीं कर पाया। फवाद अहमद उनके सबसे अच्छे बॉलर हैं, विकेट भी निकाल देते हैं और इकोनॉमिकल भी काफी रहते हैं। फवाद अहमद ने सारे पोजीशन टिक किए अपनी पारी के और काफी अच्छे प्लेयर उभर के सामने आए। कैसरिक विलियम्स भी बड़े अंडू वाले प्लेयर है, किसी मैच में बहुत अच्छा खेलते हैं और किसी मैच में बिल्कुल भी अच्छा नहीं खेल पाते। हार्डस बिल्जोन के साथ भी वही बात है, किसी मैच के अंदर बहुत ज्यादा अच्छा खेलते हैं और किसी मैच में बिल्कुल भी अच्छा नहीं खेल पाते। तो इस टीम की दिक्कत यह है कि काफी ज्यादा इनकंसिस्टेंट रही है ये टीम, पर इस टीम को अपने आखिरी के दोनों मैच में पूरा दम लगाना पड़ेगा। अगर मैं इस टीम की प्लेइंग 11 के बारे में बात करूं तो यह सकते हैं ओपनिंग करेंगे रहीम कॉनवर, एंड्रे फ्लेचर नंबर 3 के ऊपर आते, कॉलिन इंग्रम नंबर 4 पे, कॉलिन डी ग्रैंडहोम नंबर 5 पे, डैरेन सैमी नंबर 6 पे, एशले बानवेल नंबर 7 पे, क्रिस्टोफर मकार्थी, उसके बाद आते आपके हार्दस बिल्जोइन, फवाद अहमद, जीवोइन रॉयल्स और कैसिक विलियम्स। मेरे हिसाब से यही टीम होने वाली इस मैच के अंदर, इस टीम को पूरी जान लगानी पड़ेगी इस मैच को जीतने के लिए। अब मैं बात करता हूं जमैका थलावास की टीम के बारे में। जमैका की टीम एक सुपरस्टार सी टीम थी T20 के, पर उसके बाद ये टीम बिल्कुल भी अच्छा नहीं खेल पाई और अगर अभी टीम 2 में से 2 मैच जीत भी आती तब भी इनका प्लेऑफ बनना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तो ये टीम दोनों मैचों में से रेस्पेक्टिवली खेलने वाली है। इस टीम के सबसे मेन प्लेयर हैं ग्लेन फिलिप्स। ग्लेन फिलिप्स ने बहुत ही ज्यादा अच्छी बैटिंग करी पूरे टूर्नामेंट के अंदर, बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट रहे, हर मैच में अच्छा खेल रहे हैं पर उनको बैटिंग में कोई साथ नहीं दे पाया। क्रिस गेल ने 1 मैच में सेंचुरी जरूर से मारी पर उसके अलावा वो किसी भी मैच में अच्छा नहीं खेल पाया, जो कि बिल्कुल बेकार बात रही है। एंड्रे रसेल का फॉर्म भी बिल्कुल खराब रहा है, एंड्रे रसेल मैच में इंजरी की वजह से खेले भी नहीं, इस मैच में खेलना काफी ज्यादा मुश्किल लग रहा है। पर एंड्रे रसेल ने भी बिल्कुल अच्छी पारी नहीं खेली, मुझे पता नहीं क्यों। अगर एंड्रे रसेल फिट होते टीम में जरूर से आएंगे पर एंड्रे रसेल बिल्कुल अच्छा नहीं खेल पाए इस टूर्नामेंट के अंदर। ओशेन थॉमस बहुत अच्छे प्लेयर थे पर वो भी कुछ खास नहीं कर पाए। बॉलिंग के अंदर पिछले मैच काफी अच्छा खेली, इमरान खान ने काफी ज्यादा अच्छी बॉलिंग करी, 3 विकेट निकाले, जबरदस्त दिखे। उसके अलावा शमार स्प्रिंगर ने भी काफी अच्छी बॉलिंग करी, जो काफी अच्छी बात है। शमार स्प्रिंगर भी काफी ज्यादा अच्छे फॉर्म में दिखे हैं और अगर वो भी इसी फॉर्म के रहते तो काफी ज्यादा अच्छा फायदा पहुंचा सकते हैं वो टीम के अंदर। तो टीम ने पिछले कुछ मैचों में बॉलिंग अच्छी करी है पर बैटिंग इनकी लगातार फ्लॉप होती रही, क्योंकि मेन दिक्कत है ये बैटिंग सबसे स्ट्रॉन्ग मान रही थी इस टीम की पर बैटिंग बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर पाएगा। अगर मैं इस टीम की प्लेइंग 11 के बारे में बात करता हूं तो अगर एंड्रे रसेल फिट होंगे तो टीम में आ जाएंगे, वरना वो 11 होने वाले मेरे हिसाब से ओपनिंग करेंगे। क्रिस गेल और ग्लेन फिलिप्स, नंबर 3 पे चैडविक बोल्टन, नंबर 4 पे जॉर्ज वर्कर, नंबर 5 पे ड्वेन स्मिथ, नंबर 6 पे एंड्रे रसेल, नंबर 7 पे इमरान खान, नंबर 8 पे शमार स्प्रिंगर, फिर आपके आते हैं रमाल लुइस, जे डनबैक और जहीर खान। तो मेरे हिसाब से ये 11 हो सकती है इस टीम की और इसी टीम को जीतने की कोशिश करना पड़ेगी। मुझे पोल करना लगता है ये मैच कौन जीतने वाला है, सेंट लूसिया ज़ूक्स मैच जीतेगा या फिर जमैका थलावास ये मैच जीतेगा, आप मुझे पोल जरूर से बताना। और इस मैच की ड्रीम 11 टीम आने वाली है स्क्रीन के ऊपर।
बात यह है कि ये दोनों की दोनों टीमें स्ट्रगल कर रही है इस टूर्नामेंट के अंदर। इन दोनों टीमों का टूर्नामेंट बिल्कुल भी अच्छा नहीं गया है। दोनों की टीम आखिरी के दोनों मैच जीतने की पूरी पूरी कोशिश करना चाहिए ताकि रेस्पेक्ट बना रखे, और सेंट लूसिया के पास थोड़ा बहुत चांस है कि आगे पहुंच पाने के बाद मुश्किल लग रहा है। तो दोनों ही टीमें रेस्पेक्ट के लिए खेलने वाली इस मैच के अंदर, तो दोनों ही टीमें अपनी पूरी जान लगा देंगे इस मैच को जीतने के लिए। तो मुझे उम्मीद है ये छोटी सी वीडियो को पसंद जरूर से आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो लाइक जरूर से करना, सब्सक्राइब करना चैनल को इस तरह की वीडियो देखने के लिए। हमारी वीडियो में बहुत बहुत थैंक यू, मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। याद रखिएगा, स्पोर्ट्स नहीं तो कुछ नहीं।